हेल्दी और ग्लोइंग स्किन हम सबको अच्छी लगती है। हेल्दी स्किन कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता कि हमारी स्किन में शाइनिंग रहे, ग्लोइंग रहे, डलनेस खत्म हो जाए। लेकिन के लिए आपको एक ऐसी हेल्दी क्रीम का इस्तेमाल करना है जो आपकी स्किन को पूरी तरह से मॉइस्चराइज करे, और उसके अंदर ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपकी स्किन में किसी भी प्रकार की कमी है तो उसकी पूर्ति करते हैं। मार्केट में वैसे बहुत सारी क्रीम मिलती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन उसको हम बिलीव नहीं कर सकते कि वो कैसा है, हमारी स्किन को क्या चीज सूट कर रही है। और वो ब्रांड है, वो अच्छी ब्रांड है, वो महंगी है, उसको हम यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता है कि इसमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया गया है, इसमें कौन सा जेल इस्तेमाल किया गया है, इसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया है जो स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और वो पोषक तत्व है जिसकी हमें कमी होती है वो उसकी पूर्ति नहीं करता हो। एक अच्छी क्रीम ऐसी होती है जो डेड सेल्स को हटा करके नए सेल्स का निर्माण करता है और पॉल्यूशन को दूर करता है, यूवी रेस से बचाता है। आज की वीडियो में मैं आपको होममेड क्रीम बताऊंगी जो डे में ही आपको यूज करनी है, जो सभी प्रकार की चीजों से आपका बचाव करती है, आपकी स्किन को एकदम से हेल्दी और मॉइस्चराइज बनाएगी, और डेड सेल्स को रिमूव करके नए सेल्स का निर्माण करेगी, और छोटी छोटी एजिंग फाइन लाइंस या रिंकल्स होती हैं उनको दूर करेगी, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे, एक तरह से सनस्क्रीन का काम करे, यूवी रेज से बचाए रखता है। इसके अंदर हम अपनी पसंदीदा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट कर रहा है, बाकी प्रोडक्ट जो मैं बताऊंगी वो इस्तेमाल कर। जब तक मैं इस होम रेमेडी को तैयार करती हूँ तब तक आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए रेमेडी बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको लेवेंडर एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल होता है वो स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, यानी कि स्किन वाइटनिंग का होता है, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे होते हैं वो दूर करता है और रिंकल्स फ्री करता है। तो उसकी 8-10 बूंद आपको उसका इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच इसमें आपको ग्लिसरीन इस्तेमाल करनी ही है। अगर आपके ग्लिसरीन से किसी प्रकार की एलर्जी है, कईयों के ऐसे भी होता है ग्लिसरीन स्किन के ऊपर सूट नहीं करती है, बॉडी पे सूट करती है लेकिन फेस पे सूट नहीं करती है, तो आपको जो भी ऑयल सूट करता हो वो आप 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ ग्लिसरीन बताया है लेकिन आपकी जो सूटेबल ऑयल है आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको 1 चम्मच गुलाब जल की डालनी है, 1 चम्मच खीरा के रस की डाल। खीरा और गुलाब जल दोनों ही ये सनस्क्रीन का काम करते हैं, यानी कि जो यूवी रेज होती है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में आपकी स्किन में गोरापन लाते हैं, उस पे रेज का इफेक्ट नहीं होता। आपको 4 चम्मच उसमें एलोवेरा जेल की ऐड करना है और 3 विटामिन E कैप्सूल करना है। विटामिन ई कैप्सूल मैंने कई वीडियोज में बताया है वो हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में कितना मददगार है। सबको आप अच्छे से मिक्स करके अच्छे से फेंट लें। फेंटने के बाद में आप देखेंगे ये एकदम से अच्छे से ये क्रीम बन करके तैयार हो। इसी साफ कंटेनर में स्टोर करें और 20 से 25 दिन तक इस क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रखें, डायरेक्टली इसको फिंगर से ना निकालें, स्पून की सहायता से निकालें, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल विदाउट केमिकल बनाई हुई क्रीम है। तो इसका इस्तेमाल जब करें तो आप स्पून से ही करें, डायरेक्टली आप हाथ का इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी क्रीम है वो खराब ना हो। ये क्रीम है वो सनस्क्रीन का काम करती है क्योंकि इसमें खीरा गुलाब जल विटामिन ई कैप्सूल आपकी स्किन वाइटनिंग करती है। खीरा गुलाब जल आपको टैंड नहीं होने देते, इचिंग नहीं होने देते, यूवी रेज से बचाते हैं और किसी प्रकार की जो स्किन होती है वो झुलस जाती है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। गर्मी के अंदर हमारी स्किन का ग्लो खोस आ जाता है तो उसको वो मेंटेन करके रखते हैं। सनस्क्रीन को आप बना करके जरूर देखें। ये सारी चीजें हमारे घर में आसानी से मिल जाती है, कोई बहुत बड़ा महंगा प्रोडक्ट नहीं है, और आप मार्केट के बजाय आप अपने घर पे बना करके इन होममेड क्रीम का इस्तेमाल करके जरूर देखें। और जब आपकी क्रीम बन जाए आप इनको इस्तेमाल करें 7 डेज तक, तो आपका इसका कैसा रिजल्ट रहेगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखें। और नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं ऐसी ही किसी नई रेमेडी या नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।